प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला में 1 लाख सुबत्ता युवावा ने दिना नियुक्ति पत्र कया। युवावा ने नौकरी देवारो अभियान चल रही है तेज गति से। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री 407 उम्मीदवार ने दिना नियुक्ति पत्र। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवा की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका का राष्ट्रपति और मॉरिशस का प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में रिया मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर में 250 करोड़ रूपया सुबत्तीर निवेश परियोजनावारो कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। जैविक ईंधन और वैकल्पिक ईंधन ने बढ़ावो देवा माते दीना जोर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट रो कर्या निरीक्षण। कयो प्लांट में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला री निरंतर वहली आपूर्ति। प्रदेश में तेज सर्दी और सर्द हवावा चालवा सु जनजीवन प्रभावित। राज्य में अभी कई ठोरा माते तापमान 5 डिग्री सु नीचे वह रियो है दर्ज। नमस्कार, आप देख रिया हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबर में आप रो स्वागत है सा। और अब खबर देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के देश में युवावा ने नौकरी देवारो अभियान तेज गति से चल रही है। प्रधानमंत्री आज देश भर में 47 ठोरा माथे आयोजित व्या रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख 72 नवनियुक्त युवावा ने नियुक्ति पत्र वितरित कर। इन मौके आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता थका वे कया के भर्ती प्रक्रिया ने पारदर्शी बनायो गयो है। प्रधानमंत्री कया के रूफटॉप सोलर पैनल से रोजगार रा अवसर बढ़ेला। इनसे पहली प्रधानमंत्री कर्मयोगी भवन री आधारशिला भी राखी। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स से कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों, आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए
नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। आपने देखा है कि इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा, उनका बिजली बिल 0 होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे उससे आय भी होगी। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम संभालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। जोधपुर में भी रोजगार मेला रो आयोजन करियो गयो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल और पोस्ट ऑफिस समेत कई विभाग में चयनित 407 उम्मीदवार ने नियुक्ति पत्र दिना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संबोधन वर्चुअल माध्यम से प्रसारित करियो गयो। इन मौका माते केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में देश रा युवावां ने रोजगार दे बारो काम तेजी से करियो जा रियो है। वटे नियुक्ति पत्र पाबा वाला उम्मीदवार ने प्रधानमंत्री रो आभार प्रकट करता थका कया कि रोजगार मिलबा से वणा ने आर्थिक संबल मिले। लो 10 साल में 44 लाख अपेक्षा के साथ में आप सब लोगों को, आपके परिवार देश के युवाओं को सरकार की नौकरियों में एक व्यवस्थित तरीके से अवसर मिले, न्यूनतम समय में नौकरियों को रोल आउट करने का की व्यवस्था हो और साथ ही साथ में बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के ट्रांसपेरेंट तरीके से युवाओं को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, सरकार की नौकरी करने का अवसर मिल सके, इस दृष्टिकोण से ये रोजगार मेले का सृजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इस व्यवस्था के तहत जैसा आज 1,08,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, इस तरह से पिछले 12 एपिसोड्स के साथ में 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। और इसके साथ साथ में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पोस्टिंग्स के साथ साथ में प्रमोशंस की जो व्यवस्था थी उसको भी सुचारू किया है। इसी के साथ साथ में देश में स्वरोजगार के नए अवसर मिले इस दृष्टिकोण से और देश की अर्थव्यवस्था को रोजगार के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ है। और उन सब के चलते हुए जहां भारत के युवाओं का कौशल बढ़ा, उसके चलते हुए भारत के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, उसी के साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था भी कई गुना आगे बढ़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रक्रिया रखी, एक पारदर्शिता जो चाहिए होती है हर एक एग्ज़ाम और जितना भी उनका प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सब इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। और बस यही कहना चाहूँगा कि आज इस तरीके से ये मेला, इसको रोजगार मेला बोला है पर मेरा ये मानना है कि ये महोत्सव है और दिवाली की तरह है हमारे लिए। आज बड़ा गर्व का महसूस हो रहा है मुझे, श्री मोदी जी द्वारा एवं जल शक्ति मंत्री द्वारा हमको ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है, इससे काफ़ी खुशी हुई है और हर्ष का माहौल, बहुत खुशी हो रही है। हम सालों साल पढ़ाई करते हैं इसीलिए कि सेटल हो जाएं और जब फाइनली जॉब मिलती है तो वो अलग ही होती है। हम खुद तो सिक्योर होते हैं, हमारी फैमिली भी साथ में सिक्योर होती है, तो उसी की सबसे ज़्यादा खुशी है। मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी उनके प्रोग्राम के तहत मुझे रोजगार मेला के तहत ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किया है। पहले मैं हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करने वाला था और अभी मेरी लाइफ चेंज हुई है, इनकम टैक्स में जॉब करूंगा और देश की सेवा करने का मौका मिला है, तो जरूर अपनी पूरी कोशिश के साथ देश की सेवा में अपना योगदान दूंगा। अजमेर में रोजगार मेलो राख्यो गयो जिनमें केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर युवावा ने 250 से 32 नियुक्ति पत्र दीना। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय राज्य मंत्री युवावा ने नशा से दूर रह बारी सलाह देता थका आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाबा में आपरी भूमिका निभावा रो आह्वान कर्या। वटे ही युवावा ने रोजगार मेला रो
आयोजन ने महत्वपूर्ण बताता थका नियुक्ति पत्र मिलवा माते खुशी जाहिर करया। 300 से ज्यादा कुछ लोगों को अभी दिए जाएंगे, बाकी लोगों के घर नियुक्ति पत्र भेजे जाने का काम किया जाएगा। अभी 25 लोगों का वितरण तो अपने हाथों से हमने सांसद जी ने आईजी साहब ने किया है, सीआरपीएफ के डीआईजी साहब ने। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश के अंदर 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये 12वां रोजगार मेला है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम इस चुनाव के पहले 10,00,000 लोगों को रोजगार दे देंगे, यानी सरकारी नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें अभी 11वें रोजगार मेला तक 7,00,000 लोगों को और इस बार मिलाकर के 8,00,000 कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और आने वाले अभी समय जो शेष बचा है उसमें भी लोगों को पूरा करके 10,00,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे देने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। मेरा सिलेक्शन इन दिल्ली पुलिस में हुआ है और मुझे इसकी जानकारी ऑनलाइन से पता चली है और इससे मेरे परिवार वाले और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर है। मैं SSB कांस्टेबल सेलेक्ट हुआ हूँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा हमें नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनका इसके लिए दिल से आभार है। मेरा SSB कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर चयन हुआ है और जब मुझे इस नौकरी के बारे में पता चला, जब मेरा होगा सिलेक्शन, तो मैं और मेरे परिवार वाले, मेरे जो आसपास हैं, वो सभी बहुत खुश हुए और माननीय प्रधानमंत्री ने मौका दिया है मुझे देश सेवा के लिए, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। श्रीलंका और मॉरिशस में आज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सेवा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका रा राष्ट्रपति और मॉरिशस रा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कार्यक्रम में मौजूद रिया। इन दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा भी लॉन्च करेगी। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI प्रणाली सू लाभ मिललो। वे कया कि भारत री पड़ोस प्रथम नीति री है, संकट री टेम माय भारत आपरा पड़ोसिया रे साथे हमेशा खड़ो रियो है। और मॉरिशस में आज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सेवा की शुरुआत होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी लॉन्च की जाएंगी। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए UPI सेवाओं के शुभारंभ से तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेन देन संभव होगा। इससे दोनों देशों के लोग लाभान्वित होंगे और आपसी डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए भी UPI निपटान सेवाएं संभव हो पाएंगी। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों देशों में निपटान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा भी प्रदान कर सकेंगे। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 250 करोड़ रुपया सू 32 निवेश परियोजना रो लोकार्पण और शिलान्यास करया। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी समेत गणमान्य लोग मौजूद रिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कया का जैविक ईंधन और वैकल्पिक ईंधन ने बढ़ाओ दे बारी जरूरत है। वे कया का सड़का री गुणवत्ता बनाया राखबा खातर लॉजिस्टिक कोस्ट ने 9% लियाबा रो लक्ष्य राख्यो गयो है। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में देश नई ऊंचाइया ने छू रियो है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी और मेरा विश्वास है कि यहाँ की मार्बल ग्रेनाइट की इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, इसमें काफी बड़ा बदलाव ये हाईवे के कारण निश्चित रूप से प्रगति और विकास में मदद होगी। यहाँ इंडस्ट्री तैयार होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार तैयार होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। इसके साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान के प्रमुख शहरों को हम ऑलरेडी रिंग रोड से बना रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास कोई जाता है, सड़क की मांग करने जाता है, दो और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनको मिलता है।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर काले झालावाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट रो निरीक्षण करया। इन दौरान वे कया के प्लांट में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला री आपूर्ति करी जावेली, जिनसु भविष्य में बिजली उत्पादन में किणी भी प्रकार री परेशानी न वे। वे कया के थर्मल पावर प्लांट में पूर्ण क्षमता रे साथ उत्पादन रा प्रयास करया जा रिया है। इन दौरान मंत्री नागर थर्मल री दोनों इकाया रा संचालन री जानकारी लीनी और बॉयलर साइट रो निरीक्षण भी करया। सीकर नगर परिषद सभापति जीवन खान ने 2024-25 खातर नगर परिषद रो बजट पेश करो, जिन मायसु शहरवासियां ने 391.78 करोड़ रुपया री कई सौगाता दीनी। सूर्योदय योजना रे तहत शमशान भूमि और कब्रिस्तान माय सोलर पैनल लगाया जावेला बजट माय पूरा सीकर शहर माय सीवरेज लाइन डालवारी घोषणा करेगी। इन साथ ही शहर रा सगला बाहरी वाडा माय स्ट्रीट लाइट री व्यवस्था री भी घोषणा करेगी। वटे ही नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी बजट ने दिशाहीन बतायो। मैं पक्ष सभी माननीय पार्षद शहर को और ऊंचाइयों पर ले जाने का बजट होगा, उसमें 391.74 करोड़ का बजट हमने पेश किया है और उस बजट में हमने हर क्षेत्र में काम करने का, सीकर के सौंदर्यकरण, पार्क, ग्रीनरी, स्कूल्स, जो शिक्षा के क्षेत्र में आज सीकर की नई पहचान बन रही है, और जो स्कूल हम बनाने जा रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट के समय घोषित हमने करवाई, उन इंग्लिश मीडियम में 3 स्कूल बनाएंगे जो भारी क्षेत्र के लोग, वंचित लोग, उनको स्कूल मिले। और मैं आपसे वादा भी करता हूं और आपका आशीर्वाद भी लूंगा कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल मैं ऐसे बनाऊंगा जो राजस्थान के अंदर आदर्श स्कूल बने, उसमें सरकार के साथ साथ नगर परिषद और नगर परिषद के साथ सीकर की जनता का सहयोग लेकर के ऐसे स्कूल बनाएंगे जिसमें बच्चों का एडमिशन लॉटरी से हो। शहरी सरकार का 2024-25 का जो ये बजट पेश किया गया है ये एक दिशाहीन, विजनहीन और सीकर के 3 लाख जो आबादी है उसको दिग्भ्रमित करने वाला है। इस बजट के अंदर कुछ नहीं है, फिर एक बार से वही पुरानी घोषणाएं, पुरानी घोषणाओं का कुछ नहीं, एक बार पुनः सीकर की जनता को ठगने का काम किया गया है। इस गंगापुर सिटी जिला री बैरवा ढाणी माए लाड़ला 6 दिना सु बोरवेल माए गिरी महिला ने मृत अवस्था माए बारे निकाल लीनो है। गौरतलब है कि महिला खेत माए बण्या बोरवेल माए गिर गई है, जिनसु बारे निकालवा खातर SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस प्रशासन कानी सु संयुक्त बचाव अभियान चलायो गयो। पुलिस उपाधीक्षक संतराम मीणा बतायो कि महिला ने बारे निकालवा खातर खास रणनीति बनाएगी। ट्राई किया कि इसमें महिला गिरी हुई है या नहीं, कुछ इस टाइप के फुटेज मिले ताकि हम कंफर्म कर पाए कि महिला बोरवेल के अंदर ही थी। उसके बाद हमने प्रशासन को बुलाया, SDO साहब वगैरह मौके पर पहुंच गए और हमने प्लानिंग करी, मौके पर संसाधन जुटाए गए, SDRF NDRF की टीमों को सूचित किया गया, मौके पर पहुंची और उसके बाद हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उसमें करीब हमें 5-6 दिन लग गए और आज महिला को हमने रिकवर किया। अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है एडीज की बॉडी और PMR के लिए अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं। 38 साल की मेरी नौकरी हो गई, मेरी 38 साल की नौकरी में किसी राजस्थान में अदर स्टेटों में हमने इस तरीके से हार्ट ऑपरेशन नहीं देखा। और एक इस ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी समस्याएं आई कि अगर जो जमीन सूखी है, दोनों ही बोर सूखे पड़े हैं और जब हमने इसकी कटाई करवा दी और कटाई के बाद उसमें पानी आना शुरू हो गया, दोनों बोरों में पानी आ गया और पानी आ जाता है तो वो डेथ बॉडी तक और हमारे जो जवान उसमें NDRF और SDRF के उसमें कार्य कर रहे थे, जगह बहुत कम थी, कम जगह होने के बावजूद भी उसमें क्या पानी आ जाना, नाक तक पानी आ रहा है, फिर उसमें स्मेल आ रही है, फिर उसको पंप सेटों से और उनके प्रशासन द्वारा पानी को निकलवाना, फिर खुदाई करने की स्थिति ये थी कि यानी लोहा जैसी ककरीली मिट्टी उसको काटना यानी बहुत मुश्किल कार्य था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान काम करते समय NDRF और SDRF को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाधाएं इतनी रही कि करीब 120 से 123 घंटे के बीच खुले बोरवेल में फंसी महिला को बमुश्किल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, गंगापुर सिटी। जयपुर स्थापित राजस्थान विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग में आज सु 2 दिनारी राष्ट्रीय संगोष्ठी री शुरुआत हुई। विजन इंडिया 2047 वैश्विक नेतृत्व चुनौतियां और संभावनाओं विषय माथे आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी रा उद्घाटन सत्र में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रिया।
इन मौका मथे दिल्ली विश्वविद्यालय रा राजनीति विज्ञान विभाग रा अध्यक्ष प्रोफेसर संगीत कुमार रागी या राजस्थान विश्वविद्यालय रा राजनीति विज्ञान विभाग रा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम मोहन अग्रवाल और समन्वयक प्रोफेसर राजेश कुमार शर्मा समेत विषय विशेषज्ञ मौजूद रिया। दो हज़ार सैंतालीस तक भारत को एक $30 trillion की हमको इकोनॉमी डेवलप करनी है, हमें अपनी विरासत बचानी है, हमें विकास भी करना है। भारत जो है वो पूरी दुनिया को दिशा दे सके, पूरी मानवता को एक पथ प्रदर्शक बन करके खड़ा हो, जिसे हम विश्व गुरु की बात करते हैं, उस दिशा में हम कदम चल सकें। और उसमें विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर हम पैदा करते हैं, डॉक्टर हम पैदा करते हैं, कोई 1100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हैं, 50,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 1400 के आसपास 2500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 1400 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, 200 के आसपास हमारे पास प्लानिंग स्कूल्स हैं। तो ये जो ज्ञान का जो क्षेत्र है, भारत ज्ञान का गुरु बनेगा, ये तभी संभव है जब विश्वविद्यालय अपनी कर्तव्य पथ पर काम करें। इस आयोजन की जो थीम है वो है विकसित भारत, यानी विजन इंडिया टू एट द रेट 2047, जिसके अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो विजन हमारा देखा गया है, भारत का विजन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हमारे संकल्प के रूप में रखा गया है, उसका जिसका ये कह रहे हैं कि यही समय है और सही समय है, तो उसको ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान विभाग ने एक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें देश भर के अलग अलग शिक्षाविद अलग अलग राज्यों से अलग अलग विश्वविद्यालयों से यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे शोधार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपना जो विजन है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जो विजन है प्रधानमंत्री का, उस विजन को कैसे हम पूरा करेंगे, क्या उसमें चुनौतियां हैं, कैसे हम उनसे निपटेंगे और क्या हमारी थीम होगी, यानी वो विजन बिना शिक्षा के पूरा नहीं हो सकता, शैक्षिक संस्थानों के बिना वो पूरा नहीं हो सकता, शैक्षिक आयोजनों के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसी को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय संगोष्ठी दो दिन की यहाँ आयोजित की गई है। जयपुर राज झालाना स्थापित विकास अध्ययन संस्थान में सतत विकास लक्ष्य रवादा विषय माथे आज सेमिनार आयोजित करो गयो। सेमिनार वाय विशेषज्ञ प्रोफेसर रंजुला बाली स्वैन एजेंडा 2030 री दिशा में तेजी लेवा खातर अंतर संबंध खातर लाभ उठावा माथे चर्चा करी। इन मौका माथे विकास अध्ययन संस्था रा निदेशक विनीश कथुरिया समेत प्रतिभागी मौजूद रिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सतत विकास लक्ष्य का वादा है, ये असल में यूनाइटेड नेशंस जो उनकी तरफ से है, जब सारे 192 कंट्रीज ने वैलिडेट किया, जिसमें से भारत भी एक कंट्री है, और उसके अंदर ये है कि 17 गोल्स जिसके अंदर आप गरीबी हटाएंगे, जिसके अंदर आप औरतों की और बच्चों की हेल्थ और शिक्षा पे फोकस रखेंगे, आप उसके अंदर पानी और सैनिटेशन के ऊपर फोकस रखेंगे, ऊर्जा आपकी ऊर्जा साफ़ होनी चाहिए, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन सब चीज़ में आप वातावरण का एक संतुलन बना के चलें। भारत के अंदर हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, बट राजस्थान में और भारत में हमें और काम करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल का जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, उसमें क्या है कि हम पानी को ख़राब करते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, सब इंडिकेटर ऐसे बनाए गए हैं जो इन सब मुद्दों पर कि हम अगर इंडिकेटर के हिसाब से मतलब टारगेट रख करेंगे तो उसका असर अच्छा रहेगा। जैसे बोले हैं कि 2015 में ये गोल दिए गए थे और 2030 तक हमको इनको कार्यान्वित करना है कि 2030 तक जैसे जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको हटाना है, जो वाटर एंड सैनिटेशन है उसको इम्प्रूव करना है, तो उसी के हिसाब से ये टारगेट भी दिए गए हैं और इंडिकेटर हर कंट्री का अलग से टारगेट दिया गया है। जयपुर रा एक निजी कॉलेज में आज कस्तूरी महोत्सव री शुरुआत हुई। 3 दिना री उत्सव में कई प्रतियोगितावां राखी जी। उत्सव रा पहले दिन वाद विवाद प्रतियोगिता राखी जी, इंटर साथे ही एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिण में पड़ेसरिया कानीसु बनाया गया कई उत्पादा ने प्रदर्शित करो गयो। तो
चार दिवसीय प्रोग्राम है, इसमें 20 से ज़्यादा अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं हैं और जो हमारा फॉर्मेटिंग रहता है वो ये रहता है कि एकेडमिक इवेंट्स और कल्चरल इवेंट्स दोनों करवाए जाएं और कई सारी इंट्रा एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे कि महाविद्यालय की अधिक से अधिक छात्राओं को भाग लेने का मौका मिले। काफ़ी सारे अलग इवेंट्स भी होते हैं जिसमें मेहंदी रंगोली और इंटर कॉलेज इवेंट्स भी होते हैं, हम उनमें भी पार्ट लेते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आते हैं। कस्तूरी जो है वो हमारे इंट्रा और इंटर दोनों होता है। जो इंट्रा होता है वो हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं सब जने पार्टिसिपेट कर सके इस कस्तूरी इवेंट के अंदर जो कि हमारे हर साल होता है कॉलेज के अंदर ही। आज है जैसे हमारे ओपन माइक, मीडिया हंट और जैसे कल होंगे फैशन शो, डांस, फोक डांस। यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग कॉलेज से भी आते हैं। किसी को फोक डांस में करना है, किसी को महफिल बोलने में करना है, किसी को किसी स्नैक में करना है, वो सब अलाउड होते हैं। जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, ओपन माइक कॉम्पिटिशन हो गया, बहुत कॉम्पिटिशन होता है तो आप अपने इंटरेस्ट से कुछ भी कर सकते हो। और प्रदेश में तेज सर्दी और सर्द हवा में चालबासू जनजीवन प्रभावित हो रो है। राज्य में अबार भी कई ठोरा माते तापमान 5 डिग्री सू नीचे बनेड़ो है। राज्य में आज सासू कम तापमान फतेहपुर में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करो गयो। इनके अलावा करौली में 4.2 और सीकर में 4.8, अलवर में 5.4, चूरू में 6.5 और जयपुर में 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गयो। मौसम विभाग बतायो कि राज्य में अगला एक सप्ताह मौसम शुष्क बनो रहे वालों 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सू बादल छाया रे बारी संभावना है। और खबर में आखिरी में हेडलाइन फेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला में 1 लाख सू बत्ता युवावा ने दिना नियुक्ति पत्र कया। युवावा ने नौकरी दे बारो अभियान चल रो है तेज गति सू। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवा की भी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका का राष्ट्रपति और मॉरिशस का प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में रिया मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर में 250 करोड़ रुपया सू 32 निवेश परियोजनाओं कर लोकार्पण और शिलान्यास। जैविक ईंधन और वैकल्पिक ईंधन ने बढ़ाओ देवा माथे दिनों जोर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट रो कर निरीक्षण। कया प्लांट में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला री निरंतर वैली आपूर्ति। और प्रदेश में तेज सर्दी और सर्द हवा में चालबासू जनजीवन हुयो प्रभावित। राज्य में अबार कई ठोरा माते तापमान 5 डिग्री सू नीचे रियो है दर्ज। इंद्र साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। आप देखता रहो दूरदर्शन समाचार।